नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आजकल इश्क मोहब्बत में धोखे की खबरें आए दिन सुनने को मिलती रहती हैं। जिस मोहब्बत की किसी वक्त में पूजा की जाती थी, आज उसी मोहब्बत को लोग सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही लोगों की ये जरूरतें पूरी हो जाती हैं, वैसे ही आशिकों के सिर से आशिकी का ये भूत उतर जाता है। कई मामले तो ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें झूठ का सहारा लेकर कुछ आपराधिक सोच वाले लोग पहले अपनी हवस को बुझाते हैं और फिर सामने वाले शख्स को अश्लील वीडियो और उसकी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करते हैं और उससे पैसा भी ऐंठते हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं कि इस तरह का काम सिर्फ लड़के ही करते हों या आदमी ही करते हों, बल्कि आजकल तो लड़कियां लड़कों से भी तेज निकल रही हैं और सारी हदों को पार करते हुए ऐसी वारदातों को अंजाम दे रही हैं। इस बीच एक ताजा मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आया है, जहां शादी का झांसा देकर पहले आरोपी ने युवती का शोषण किया और फिर हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी पहले से शादीशुदा होने के बावजूद झूठ बोलकर उस युवती को अपने जाल में फंसाया। सिर्फ इतना ही नहीं, युवती के आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा कर उसके पति के रूप में अपना नाम भी लिखवा लिया। और तो और, मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी युवती से मारपीट भी करता था, लेकिन युवती सब कुछ शांति से सहती रहती थी क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी और उसे लगता था कि वो उससे शादी जरूर करेगा। और कहीं ना कहीं उसे लगता था कि वो शादी जरूर करेगा और वो भी उससे प्यार करता है। लेकिन जब इसने शादी से मना कर दिया, तब युवती का सब्र का बांध टूट गया और उसने आरोपी के खिलाफ जाकर संजीवनी नगर थाने में रेप व धोखाधड़ी का मामला दर्ज करा दिया। आइए अब आपको पूरी खबर से रूबरू कराते हैं। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक संजीवनी नगर की रहने वाली 29 साल की युवती को 4 साल पहले उसकी पहचान अशोक नगर गुना के रहने वाले राजीव जैन से हुई थी। पहले दोस्ती हुई और फिर उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। तो वहीं जैसे ही युवती को पता चला कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है, तो आरोपी ने युवती को झांसा दिया और कहा कि वो पत्नी से तलाक लेकर उससे शादी करेगा। जिसके बाद 20 मार्च 2018 को राजीव ने युवती के साथ शादी करने की बात कहकर उससे वादा करकर उसका शारीरिक शोषण किया। और सिर्फ तभी नहीं, तब से लेकर अब तक यानी पिछले 4 सालों से वो लगातार उसका रेप करता रहा है। इसी दौरान युवती का आधार कार्ड लेकर उसमें पति के तौर पर उसने खुद का नाम दर्ज करवा दिया। युवती के मुताबिक आरोपी उसे घुमाने के बहाने शहर के अलग अलग होटलों में ले जाता था और हर जगह उसके साथ रेप करता था। पीड़िता के मुताबिक आरोपी राजीव उसके साथ मारपीट भी करने लगा था। कई बार उसकी मर्जी के खिलाफ मारपीट कर उसने पीड़िता के साथ जबरदस्ती रेप किया, लेकिन वो सब सहती रही क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि राजीव मोहब्बत के नाम पर बस अपनी हवस बुझा रहा है। तो वहीं कुछ दिन पहले युवती ने राजीव से शादी की बात कही तो पता चला कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है। ये सुनते ही उसके होश उड़ गए, उसके सारे अरमान चकनाचूर हो गए। इसके बाद वो संजीवनी नगर थाने पहुंची और रेप व धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। तो वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए टीआई भुवनेश्वरी चौहान ने बताया है कि मामले में रेप व धोखाधड़ी की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश जारी है और जल्द से जल्द उसे पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा और उसे किए की सजा उसे जरूर मिलेगी। तो देखा आपने, आज मोहब्बत के नाम पर कैसे कैसे खेल खेले जाते हैं। ऐसे लोगों से आप भी सतर्क रहिए और देखते रहिए वीके न्यूज़। धन्यवाद।